नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं रोहित सावंत। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो 5000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। एक तरफ कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद चिंता का विषय बनी हुई है, तो वहीं मजदूरों के पलायन की दर्दनाक तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। अकेले हरियाणा की बात करें तो मनोहर सरकार का दावा है कि 1.5 लाख से ज्यादा मजदूरों को उनके घर भेजा जा चुका है। श्रमिक ट्रेनों और रोडवेज बसों के जरिए मजदूरों को घरों तक पहुंचाया जा रहा है। गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि साथ ही राज्य सहमति दें तो हम 4 दिन में सभी मजदूरों को घर भेज सकते हैं। सरकार मदद पहुंचाने का दावा कर रही है। मजदूर पलायन को मजबूर हैं, लेकिन मजदूरों की इसी मजबूरी पर अब सियासत भी हो रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को दिल्ली की सड़कों पर निकले। राहुल गांधी ने दक्षिणी दिल्ली के सुखदेव विहार इलाके में घर लौट रहे मजदूरों से बात की और उनका हाल जाना, तो वहीं बीजेपी ने राहुल की इस मुलाकात को लेकर निशाना साधा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मजदूरों के साथ बैठकर बातें करने से क्या होगा, राहुल गांधी अपने मुख्यमंत्रियों को ज्यादा ट्रेनों के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस से इस मुद्दे पर राजनीति ना करने की भी अपील की है। यूं तो मजदूरों के पलायन की तस्वीरें हर रोज सामने आ रही हैं, लेकिन सोनीपत से आज कुछ खास तस्वीरें सामने आई। जी हां, सोनीपत की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वहां पर क्या हालात है। आप ये देखिए, ये सोनीपत की तस्वीरें हैं कि किस तरह से लोग अपने घरों के लिए जा रहे हैं, और आप देखिए किस तरह से, यानी ये मजबूरी ही से कहा जाए, और एक नहीं दो नहीं ऐसे सैकड़ों लोग निकल रहे हैं अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ। सोनीपत से आज सामने आई तस्वीरों को देखिए, ये वो मजदूर हैं जो जम्मू कश्मीर और पंजाब से चलकर पहुंचे हैं। पूरा परिवार करीब 10 दिन से सड़कों पर है, पैदल चलकर पैरों में छाले पड़े हैं, बच्चे धूप में बिलख रहे हैं। मजदूरों की बेबसी आपने देखी होगी, लेकिन ये स्थिति इससे पहले कभी नहीं देखी। मजदूरों की बेबसी आपने देखी, अब शनिवार की वो तस्वीर देखिए जब राहुल गांधी ने दिल्ली में मजदूरों से मुलाकात की थी। ये वो तस्वीरें हैं जब दिल्ली में राहुल गांधी, जो मजदूर घरों को लौट रहे हैं या यूं कहें जो पलायन कर रहे हैं, उन मजदूरों से सड़क पर जाकर राहुल गांधी ने हाल जाना, और इसी उनके इस हाल जानने के तरीके को लेकर निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, उन्होंने निशाना साधा था, और इसके बाद बयानबाजी का एक लंबा दौर शुरू हो चुका है। मजदूरों से राहुल की मुलाकात पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। क्यों उनके अपने अपने राज्य सरकार जहां भी है और ट्रेन मंगवाएं और माइग्रेंट्स को उसमें बिठाएं और माइग्रेंट्स को इतने सुविधा के साथ, सुविधा काफी नहीं है फिर भी सुविधा के साथ उनके घर तक पहुंचाने के लिए उनके अपने राज्य को जहां कांग्रेस के सरकार हो या जहां उनके स्नेह पार्टीज हैं, अलायंस पार्टीज हैं, उनके पास बात करके उनके साथ कोऑपरेट करके और ट्रेन मंगवाएं और माइग्रेंट्स को ट्रेन में बिठा करके उनके अपने घर भेजें। तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, और आज की बड़ी बहस के बड़े सवालों पर एक नजर डाली जाए तो मजदूरों के पलायन पर राजनीति हो रही है, ये हमारा पहला बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल ये कि आपदा के बाद सियासत क्यों हो रही है, और दूसरे बड़े सवाल की बात करें कि आपदा में भी राजनीति का अवसर क्या ढूंढा जा रहा है। ये दो सवाल, और इन दोनों अहम सवालों पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स साहब मौजूद हैं। कुलदीप जी, आपका स्वागत है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता भी हमारे साथ मौजूद हैं। जरावता साहब, आपका भी स्वागत, और वरिष्ठ पत्रकार अनिल आर्या साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहले मैं कुलदीप वत्स साहब आपके पास आऊंगा। पूरे देश भर में वो तस्वीरें दिख रही हैं, हमारा हरियाणा भी उससे अछूता नहीं है। मीलों मील लोग चले जा रहे हैं,
छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर पलायन कर रहे हैं और वो दर्दनाक तस्वीरें हम लगातार दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। हालांकि जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो संस्थाएं उनकी मदद भी कर रही हैं, लेकिन जब राहुल गांधी अगर उन लोगों से हालचाल जानते हैं, उनसे मिलते हैं, तो उसके बाद एक लंबा दौर प्रतिक्रियाओं का चल पड़ा कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया, इसके बजाय उनको कुछ और करना चाहिए था, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उनको निर्देश देना चाहिए था, ये सब बातें कांग्रेस की तरफ से बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। आपका पहला रिएक्शन? धन्यवाद राहुल जी। देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि ये राजनीति का वक्त नहीं है, पर राजनीतिक वक्त और राजनीति करने का किसी ने इस समय ना टाइम है ना राजनीति करनी चाहिए। जिस प्रकार से आदरणीय हमारी जो वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी पर टिप्पणी की कि अपने मुख्यमंत्रियों को कहे क्या राहुल गांधी ने क्या गुनाह कर दिया अगर दोनों से मिल लिए तो, उनका हाल चाल जान लिया तो। मैं एक चीज आपके माध्यम से कहना चाह रहा था, जिस टाइम देश के अंदर नोटबंदी हुई उस टाइम रात के 8 बजे देश के प्रधानमंत्री आते हैं, आके एक बात कहते हैं कि आज से जितने भी 500 के नोट हैं, 1000 के नोट हैं, आज से बंद किए जाते हैं, देश के ऊपर थोप दिया। रात के 12 बजे देश के प्रधानमंत्री आते हैं कि आज देश में जीएसटी लागू कर दी। उसके बाद देश ने जैसा भुगतान आपके सबके सामने है, और आज की जो स्थिति वो चीज चलो अलग थी, और ये जो आज की स्थिति है मुख्य प्रधानमंत्री जी को ये पता थी कि देश के अंदर नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या परेशानियां चल रही हैं। श्री राहुल गांधी जी ने 12 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री जी से और पहले अवगत कराया कि ये बहुत बड़ी महामारी है जिससे तूफान आने वाला है, किसन से आप इस पर कार्रवाई की करो। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी, 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी एकदम आते हैं और कह देते हैं कि आज से लॉकडाउन है, क्या 5 दिन या 7 दिन का समय दे के इस जो मजदूर थे, जो गरीब आदमी थे, उनको उनके स्टेट में भेजा जा सकता था? ये एक किस्म से नमस्ते ट्रंप के चक्कर में लग गए, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के चक्कर में लग गए, सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत और अपनी राजनीतिक और देश से इन्होंने कोई लेना देना नहीं है। वरना अगर ये 5-7 दिन का टाइम मिलता, इसमें प्लानिंग होती, तो ये आज दुर्दशा मजदूर भाइयों की नहीं होती। आज रोडों के ऊपर आप देख रहे हैं जी, किस प्रकार से जो बेचारे के पैरों में चप्पल नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, रोडों पर चल रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, तो ये देश की स्थिति आज आपके सामने जी। जनाबता साहब, क्या कहना है आपका? आपने सुना कुलदीप वत्स साहब को, उनका कहना है कि राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं, और अगर किसी मजदूर का दर्द सड़क पर जाकर जान लिया तो ये कोई गुनाह नहीं है। देखिए मेरे मित्र कुलदीप जी, ये कह रहे हैं कि राजनीति हम कर रहे हैं, ये पूरा देश आज देख रहा है कि राजनीति कौन कर रहे हैं। अगर हम लोग इनकी तरह 50 दिन के बाद जाकर संभालते तो आज हमारी हालत अमेरिका से बदतर होती। आज जो कंट्रोल किया है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से पूरे देश लॉकडाउन का पालन हुआ, जिस तरह से रणनीति बनाकर और पूरे देश को एक इस महामारी से बचाया गया, ये एक वास्तव में अपने आप एक मिसाल कायम की है। मेरा मानना है कि मानते हैं कि माइग्रेंट लेबर्स में जो आज जा रहे हैं जी, उनके लिए हमने और हमारी यहां तक कि पूरे देश के अंदर जहां जहां हमारी सरकारें हैं, किसी प्रकार की ना उनके रहने की कमी नहीं छोड़ी, ना उनके खाने के लिए कमी छोड़ी, और हमारे यहाँ हरियाणा में 8 लाख लोगों ने माइग्रेट जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, पलट के 1 लाख लोगों ने वापिस आने के लिए कराया, हम 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को भेज चुके हैं। हम इनकी तरह नहीं करते, हमारा काम आज के टाइम किसी के आरोप प्रत्यारोप लगाना नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि इस
प्राकृतिक जो आपदा आई है, दैवीय जो आपदा आई है, इस पे पक्ष विपक्ष सब लोग मिलकर और इस लड़ाई को जीते और अपने देश को इस महामारी से बचाए, इसमें हम काम करें जी। तो चलिए, आपका कहना है कि सबको मिलकर काम करना चाहिए। अनिल आर्य साहब, जो तस्वीरें दिख रही हैं सड़कों पर, वो सचमुच दर्दनाक है। आपका इतना लंबा अनुभव रहा है कि आपने भी शायद इससे पहले इस तरह की तस्वीरें नहीं देखी होगी, ऐसा पलायन नहीं देखा होगा वो उस मजदूर का, जिस मजदूर ने ये लंबी लंबी सड़कें बनाई है, जिस मजदूर ने ये तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी की हैं, वो बिल्डिंग जहां पर बड़े बड़े सरकारी अफसर बैठते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, गरीब आदमी के लिए। लेकिन आज वही शख्स, आज वही मजदूर सड़कों पर है, छोटे छोटे बच्चों के साथ, दो दो साल के बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, और अब इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। जो हमने जिक्र किया कि बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, और अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों का रिएक्शन आपने सुना। आर्य साहब, रोहित, मैं अपने 35 साल के पत्रकारी अनुभव में ऐसा पहली बार देख रहा हूं कि इतनी बड़ी संख्या में बेबस, लाचार, कमज़ोर मजदूर सड़क पर उतरा है, नंगे पांव, भूखे पेट, बच्चों को लेकर, सारा सामान लेकर। जिस ढंग से पलायन हो रहा है उसको देखकर एक रोना आता है। मैं तो चूंकि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से मैं अपनी एनजीओ के माध्यम से, नवकल फाउंडेशन के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। हमने देखा जब पहला दौर था उस वक्त भी हम सड़कों पर खड़े थे, लोग भागे जा रहे हैं पैदल पैदल, गर्मी में बच्चे। अब भी स्थिति है, आज 50 दिन बाद भी वही स्थिति है। हमने चप्पल बांटनी शुरू की, हम देख रहे हैं कि लोगों के पास चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, टूटी चप्पलें के साथ जा रहे हैं, खाने को नहीं है। आप, मैं मतलब बताते हुए मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं फट पड़ूं। तो मुझे लगता है कि जो भी हम, आप सब हम लोग हैं, हम देख रहे हैं ये जो प्लान हुआ है, ये प्लान पहली मर्तबा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये सरकारों की चूक है कि इस प्लान की जो स्थिति आज मजदूरों की बनी है, ये स्थिति नहीं बनती। मैं कुलदीप वत्सी की बात से एक हद तक सहमत हूँ कि अगर लॉकडाउन लागू करने से पहले कोई वेल प्लान होता तो शायद इतनी बदतर स्थिति आज नहीं होती जो आज है। दूसरी बात, जब मजदूर जा रहा था पहले दौर में, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, अगर तभी मजदूरों को एक दिन, दो दिन और जाने दिया होता, या तभी कोई ऐसी प्लानिंग कर दी गई होती कि इनको बसों से भेज दिया होता, तो आज ये स्थिति नहीं होती जो स्थिति बन चुकी है। आप एक चीज देखिए रोहित, आप हो, मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, जब संकट आता है तो सबसे पहले घर याद आता है। हमारी कोशिश, हम घर भागे, हम घर पहुंच जाए, कैसे भी पहुंच जाए, किसी भी स्थिति में पहुंच जाए, हो सकता है कि कल वापस आ जाए, लेकिन एक वक्त तो लगता है घर जाना होगा। आप देखिए, जो व्यक्ति पहली बार जो प्लान हुआ था जब गया था, वो आज उनमें से काफ़ी लोग वापस आने को तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि वापस नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन आप जिस ढंग के खून के आंसू रुलाकर उनको भेज रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो बड़ी दर्दनाक स्थिति है। और जहां तक सवाल राजनीति का है, मेरा मानना है रोहित जी, दोनों सियासी पार्टी हैं, ये अपने अपने ढंग से राजनीति करेंगी। मैं तो राहुल जी को इस बात को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि कम से कम मजदूरों के बीच में जाकर तो बैठे, उन्होंने बात तो की। और निर्मला सीतारामन जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि राहुल जी को अपने स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे अलायंस गवर्नमेंट है, चाहे अपनी गवर्नमेंट है, वहाँ जो सरकारें हैं वो व्यवस्था और दुरुस्त करें, इसके लिए काम करना चाहिए। मेरी बात, एक सवाल मेरा कुलदीप जी से ये भी है कि भाजपा के जो प्रदेश हैं, भाजपा शासित प्रदेश है, वहाँ की स्थिति तो हम देख रहे हैं। कांग्रेस की जो प्रदेश है वहाँ भी स्थिति ऐसी है। ऐसा नहीं है कि मजदूर वहाँ से नहीं जा रहा है, मजदूर पूरे देश से जा रहा है, हर जगह से जा रहा है, कोई भी राज्य है। और मुझे लगता है कि अगर स्वयंसेवी संस्थाएं और दानी सज्जन नहीं होते तो ये तमाम सरकारें लगभग फेल हो चुकी थी। आप सच मानिए रोहित जी कि इन लोगों के पेट में जो अन्न गया है ना, वो सरकारों से नहीं गया है, वो स्वयंसेवी संस्थाओं से गया है, वो दानी महानुभावों से गया है। आप और देखिए कि जो उनको राशन दिया जा रहा है अभी, जो कूपन के माध्यम से, क्या दे रहे हैं? गेहूं, गेहूं का क्या करेगा वो, कहाँ पिसवाएगा, कैसे करेगा उसके लिए? आप उसको मसाले नहीं दे रहे, आपको कोई और चीज़ नहीं दे रहे, आपने गेहूं उसको दे दिया, गेहूं गेहूं कैसे खाएगा वो? बड़ा मजाक हो रहा है कई जगह, तो बड़ी विचित्र स्थितियाँ हैं रोहित जी। आपको, आप मतलब मैं क्या कहूँ, दोनों बैठे हैं विधायक, मेरे दोनों मित्र हैं, दोनों छोटे भाई हैं, ये अच्छे से समझते हैं कि स्थितियाँ क्या हैं। गुड़गांव तो बहुत बड़ा है इंडस्ट्री का, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में मजदूर रहते हैं। आप एक चीज़ और देखिए कि जो मजदूर जा रहा है उस मजदूर के पास क्या है, वो अब सिर्फ थोड़ा बहुत सामान लेके जा रहा है। मुझे लगता है कि जो मकान मालिक हैं उनका बहुत बड़ा प्रेशर उनके ऊपर है, वो खा तो लेंगे
लेकिन उनको देने के लिए पैसे नहीं है जी। इस बात पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। एक चीज मैं दोनों विधायकों से कहना चाहूंगा रोहित जी, जी कि जहां जहां मजदूर जा रहा है कम से कम रास्ते में एक ऐसी व्यवस्था तो हो, कोई मोबाइल वैन चले उनकी दवाई के लिए और सुविधाओं के लिए, सरकार की तरफ से चलनी चाहिए। अभी हम जितनी व्यवस्था सड़कों पर देखते हैं वो व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ स्वयंसेवी संगठनों की तरफ से, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं की तरफ से देखते हैं। सरकार के जो हाथ हैं इस मामले में बहुत रीते हैं, बहुत खाली हैं। बिल्कुल कुलदीप वत्स साहब, क्या कहना आपका? अनिल जी ने बड़े विस्तार से कहा और सचमुच स्थिति बहुत खतरनाक है। देखिए रोहित जी, धन्यवाद करता हूँ मैं अनिल जी का। एक तो कंटिन्यू मैं इनको फेसबुक के माध्यम से भी और वैसे भी जिस प्रकार से इनकी पूरी टीम गुड़गांव के अंदर काम कर रही है, ये दिल से मैं अनिल जी को और इनकी पूरी टीम को मैं सलूट करता हूँ। और एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ, चाहे कांग्रेस शासित प्रदेश है चाहे बीजेपी शासित प्रदेश है, ये सबकी जिम्मेवारी बनती है, पूरे देश की बनती है जिम्मेवारी। हम इस जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। जहां तक बात है, आज हरियाणा के अंदर आज के दिन भी 9 से 10 लाख मजदूर ऐसे हैं जी जिन्होंने अपने अपने प्रदेशों में रजिस्ट्रेशन भी करा दिए। मैं एक बात पूछना चाह रहा था, मजदूर इस देश को बनाने में मजदूर का सबसे योगदान है। मैं मजदूर और किसान का बेटा हूं, जरावताजी भी मजदूर और किसान के बेटे हैं, ये सच्चाई है। और बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पर बीजेपी की जिम्मेवारी इस बात से बनती है, ये अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। हर बात पे राहुल गांधी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आज देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी हैं या नरेंद्र मोदी जी हैं? क्या आज देश के गृह मंत्री राहुल गांधी जी हैं या अमित शाह जी हैं? देश के वित्त मंत्री कौन है? आज देश को कौन चला रहा है? अपनी नाकामी छुपाने के लिए राहुल गांधी जी को आगे लेके आना, कभी पाकिस्तान, कभी कब्रिस्तान, कभी चाइना, कभी नहीं। अपनी जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकते। देश का मजदूर, इस देश का जन्मदाता, इस देश को चलाने वाला है। और ऐसे मैं राजनीति की बात नहीं करता हूं, जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को आप लोगों ने बेखूबी निभाना पड़ेगा। जो कमियां हैं उन कमियों को आपने स्वीकार करना पड़ेगा। अगर ये चीजें 5 दिन पहले आप इस लोगों को अपने घरों पे भेज देते तो आज लॉकडाउन खत्म होने के बाद ये वापिस भी आ सकते थे, ये रोजगार भी, ये जो फैक्ट्रियां में जाते तो फैक्ट्रियां भी चल सकती थी। रोहित जी, आज आने वाले समय, मैं आज आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ आने वाले समय, और अनिल जी तो इतने वरिष्ठ हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने एक एक चीज का पता है, आने वाला जो समय होगा वो देश के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जो मजदूर ऐसे हम भी मिले हैं, मजदूर आज एक बात कहते हैं कि अपने घर के अंदर भूखे मर जाएंगे पर दोबारा काम के लिए नहीं आएंगे, फिर ये काम फैक्ट्रियां कहां से चलेंगी, ये प्रदेश में काम कहां से होंगे। आज ये बहुत बड़ी विडंबना है देश के अंदर। मैं तो धन्यवाद करता हूं संस्थाओं का, अनिल जी मैं आपकी बात से सहमत हूं। देश का सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं उन दानदाताओं का, उन साथियों का, जो युवा साथी थे, चाहे कोई एनजीओ थे, सब ने आके इसमें, गवर्नमेंट का कोई इतना ज्यादा बड़ा योगदान नहीं जितना खाना खिलाने में, जितना सहयोग गाड़ियां में, बसें भेजने में, जितना लोगों ने जो सहयोग किया है, मैं लोगों को सलूट करता हूं। इस देश के मेरे प्रदेश हरियाणा प्रदेश के लोग हैं जिन्होंने दिन रात एक करके, एक जज्बा था कि भी हम इस कोरोना जैसी महामारी लड़ाई के लिए, हम देश के लिए लड़ाई लड़े। पर आज जो हालात है उनके भी हौसले टूट चुके हैं। रोड के ऊपर जो मजदूर जा रहे हैं, मैं पानीपत के एक साथी ने एक वीडियो भेजी, एक मजदूर का बेटा, उसकी डेथ होगी और वो आपके चैनल का ही बंदा था, उसने उसका इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा साहब मेरी ये इंटरव्यू चलाना मत क्योंकि मेरे बच्चे का दाह संस्कार नहीं होगा, मेरी डॉक्टरी कराएंगे। तो इतनी बड़ी विडंबना है। मैं इस चीज के लिए ये नहीं कहता राहुल गांधी जी, आप हर चीज के लिए राहुल गांधी, अरे अपनी अपनी जिम्मेवारियों से क्यों भाग रहे हो आप? ठीक है साहब, जवाब लेते हैं, आपने विस्तार से अपनी बात कर दिया जी। राहुल गांधी, मैं एक सेकंड और लूंगा। आज किसान की बात आती है तो बोला पहले की सरकारों ने ये नहीं किया, कह लेंगे 70 साल का भुगतान मुक्त रहे, आप वही रोना रोते रहेंगे, आपको 6 साल दिए देश ने, आप उसका भी बताइए। जो आप आने वाला समय जो हुआ है, और आज आप बात करते हैं हरियाणा की, बात करते हैं हरियाणा के अंदर आज सबसे ज्यादा, इन संस्थाएं अगर नहीं होती तो आप लोगों की हरियाणा की गवर्नमेंट की पोल पट्टी खुल जाती कि हरियाणा में आपने कितने इंजाम किए थे। ठीक है जी, सत्यप्रकाश जनावता साहब क्या कहना चाहेंगे? कुलदीप वत्स जी को आपने सुना? नहीं, इन्होंने सुनने वाली कोई बात कही नहीं। इन्होंने तो एक मुहावरा दिया कि राजीव गांधी जी ये होते, अब गृह मंत्री कौन है? अरे भाई वत्स साहब, आज अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, देश को गर्व है उन पर,
आज इस परिस्थिति में देश को बचाया है, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश को बचाया है। आप ये देखिए, आप राहुल गांधी जी वहां जाके बैठे, इससे बेहतर होता जो कैप्टन अमरिंदर जी के पास बैठते और वहां से मजदूरों के लिए बस और ट्रेन की व्यवस्था कराते। वो हरियाणा में सीमाओं से कच्चे पक्के रास्ते से नहीं आते। और आप बात कर रहे हैं इसकी, आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी, नहीं सुन लीजिए, आपकी हमारी जो बहन जी है प्रियंका गांधी जी, वो ट्वीट करती है मेरे भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ भाई, बिल्कुल कहें कि उनकी बहन है। डायरेक्ट अगर कहते तो आप अमरेंद्र सिंह को समझाते कि हरियाणा से सबक ले, हरियाणा ने किस तरह सैकड़ों ट्रेनें लगाई हैं, कितनी बसें लगाई हैं, ये सोचते किस तरह मजदूर को भेजा जा रहा है माइग्रेंट लेबर पर। हरियाणा के लोग नहीं जा रहे, ये बाहर से जो आप आ रहे हैं उनका हमारे लिए दिक्कत हो रही है। आप खुद देख लीजिए अनिल भाई, ये 50 दिन में इनके नेता निकले हैं, कभी इन्होंने सोचा नहीं। अपने इनके एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुरजेवाला जी, वो 50 दिन चंडीगढ़ में दुबके रहे, कोई लेना देना नहीं। आज ये सारे जब देख लिया कि कोरोना पे कंट्रोल कर लिया है और प्रयास हमारा जारी है, हम काफी हद तक इस पे पार पा चुके हैं, अभी कुछ सड़क ये रह रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आज ये बाहर आ रहे हैं। अन्यथा कांग्रेस तो सबसे पहले जाके चुकी, अगर इनको क्या फर्क पड़ जाता अगर ये हरियाणा से सबक ले लेते, माननीय मनोहर लाल जी से सीख लेते, कुछ बसें कुछ ट्रेन लगा देते, माइग्रेंट लेबर को खाने की व्यवस्था करते। लेकिन नहीं, इन्होंने तो गेंद प्रकरण प्रधानमंत्री जी की कुर्सी नजर आती है, इन्होंने गृह मंत्री की कुर्सी नजर आती है, इनको और कुछ नजर नहीं आता, हर चीज में उन्हें ही देखते हैं ये। अरे भाई टाइम आने दो, चुनाव होगा आमने सामने हो जाना। लेकिन आज आप लोग कमिश्नर अमरिंदर को कहे कि आपने बहुत बड़ी गलती की है, उस गलती को ठीक करे और हरियाणा से सीखे कैसे ट्रेनों में भरकर इनको बढ़िया सोशल डिस्टेंस का पालन करके, उनको बकायदा खाना दे करके, सेंटरों में रोक करके, और इवन यहाँ तक यहाँ पर जो बाहर के लोग आए हैं उनको हमने रोका और उनको सेंटरों में रुक के और उनके प्रदेशों में भेजा है। तो कम से कम इतना ही सीख लेते, हरियाणा से सीख के ही काम कर लेते जी। तो चलिए, आपका कहना है कि आपकी सरकारों से, प्रदेश सरकारों से कांग्रेस को सीखना चाहिए, इसका जवाब लेंगे वत्स साहब से। लेकिन इधर मैं अनिल आर्या जी से एक रिएक्शन लूंगा। आर्या साहब जी, देखिए जो बात कुलदीप वत्स जी कर रहे हैं, जो जलावता जी कर रहे हैं, दोनों पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। वास्तविक स्थिति या धरातल में जो स्थिति है वो रोहित जी आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ और ये दोनों भी जानते हैं, पर चूंकि अपने राजनीतिक दायरे में बंधे हुए हैं इसलिए आरोप प्रत्यारोप की बात करेंगे। जहाँ तक जरावता जी बात कर रहे थे कि हरियाणा से सीखना चाहिए, मैं जरावता जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या सिविल डिफेंस और रेड क्रॉस गुड़गांव में दो बड़ी एजेंसी है, और मैं गुड़गांव का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि गुड़गांव से संबंधित है और गुड़गांव सबसे बड़ा हब है श्रमिकों का, क्या एक भी दाना सरकार ने इन दोनों एजेंसीज को दिया है, जबकि रेड क्रॉस और सिविल डिफेंस के माध्यम से सब चीज़ें बांटी गई हैं। MCG के माध्यम से जो खाना बटा है उसमें MCG को कितना सरकारी खाना मिला है ये भी बता दें, उससे पता चल जाएगा कि स्थितियाँ क्या है। दूसरी बात, जो बात कुलदीप वत्स जी भी कर रहे थे, देखिए मैं इस बात से पहले भी कहा फिर कह रहा हूँ कि राहुल गांधी मजदूरों के पास गए, उनसे बैठ के बात की, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी को बाकी जगह भी जाना चाहिए, बाकी जगह भी समझना चाहिए। आप सिर्फ राजनीति करने के लिए नहीं उतर रहे, लेकिन BJP के लोग ये भी बता दें कि BJP के कितने मंत्री, अनिल विज तो हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं, अनिल विज हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर हैं, क्या बताएंगे जलावता जी कि अनिल विज जी गुड़गांव में अभी तक कितनी बार आए, फरीदाबाद में कितनी बार हॉस्पिटल विजिट करके गए, क्या उन्होंने स्थितियों को विजिट किया, क्या व्यवस्थाएं हो रही है, कब विजिट करके, चार जो ये जो जिले हैं गुड़गांव पलवल फरीदाबाद नूह और इवन सोनीपत भी, मुझे सोनीपत की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इन जगह पर आप देखो एक बार भी आए क्या, जबकि सबसे बड़े हॉटस्पॉट यही थे शुरुआत से, कहाँ हुए। इन सब बातों को छोड़िए, आज ये देखिए कि स्थितियाँ क्या हैं, उनको हम कैसे लाभ पहुँचा सकते हैं, उनके आंसू कैसे पूछे जा सकते हैं। और रोहित जी एक चीज़ और देखिएगा आप कि जो मजदूर अब गांव जा रहा है, जो प्लान करके जा रहा है, वो अपने साथ कितना कोरोना लेके जा रहा है, कितना वायरस साथ लेके जा रहा है, किसी को नहीं पता। यहाँ तो आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएँ हैं कि उनको ठीक कर सकते हैं, लेकिन वह गाँव पहुँचने के बाद
अगर ये किसी और के साथ चला गया वायरस और वहाँ किसी और फैल गया, उन स्थितियों में क्या होगा, ये बात भी समझनी होगी। और मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा, पहले भी शो में कह चुका हूँ कि राजनीति छोड़कर तमाम दलों को बैठकर ये सोचना चाहिए कि इन मजदूरों के आंसू हम कैसे पूछें, इन स्थितियों को कैसे ठीक करें। अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चोट लगी है। कुलदीप जी बात कह रहे थे, अनिल जी बेटर समझा सकते हैं, मैं बात मानता हूँ कुलदीप जी कि इस वक्त अर्थव्यवस्था बड़ी बुरी स्थिति में है। और जो गुड़गांव की इंडस्ट्रीज की बात करें, किसी उद्योग की बात करें, आप देखिए अगर 50% लेबर रह गई या 70% लेबर रह गई वो कितना काम करेगी, कैसे काम करेगी, डिमांड कहाँ से क्रिएट होगी, कितनी प्रोडक्शन होगी। और सिर्फ स्किल लेबर की बात नहीं होती, जो बाकी अलाइड चीज़ें होती हैं, चाहे वो चाय वाला है, चाहे वो रिक्शा वाला है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट वाला है, तमाम तरह के लोग होते हैं जो कड़ी चुड़ी होती है, वो कितने लोग बाकी रह गए। और देखिए एक बात और ये बड़ी समझनी पड़ेगी कि जो इंडस्ट्रीज आज है या जो दुकानदार आज है, आप उनको चोर भी मानते हैं दुकानदारों को, टैक्स भी उसी के जिम्मे होता है और काम भी वही दे रहा है, सैलरी भी वो दे रहा है, जीएसटी वो देगा, सब कुछ देगा, लेकिन 6 महीने बाद उसकी स्थिति क्या होगी, क्या वो ऐसी स्थिति में होगा कि सब कुछ पे कर सके। जो 20 लाख करोड़ का आप पैकेज दे गए हैं, उस पैकेज में से कितना जो पैसा आप दे रहे हो वो वास्तव में पहुँच कितना रहा है। आप लोन दे रहे हैं चाहे सस्ती दरों पर दे रहे हो, चाहे टाइम बार करके दे रहे हो, आप लोन दे रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं, कुछ उनको मुफ्त में नहीं दे रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो दोनों पक्षों को समझनी चाहिए रोहित जी। और मैं तो बार बार एक बात कहता हूँ कि ये जो स्थितियाँ हैं उस स्थिति में ना बीजेपी ना कांग्रेस ना कोई और पार्टी, ये स्थिति पूरी मानवता के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए, तो सबको मिल के जुल के समझना चाहिए। और चाहे मजदूर की बात हो, चाहे मध्यम वर्ग की बात हो, चाहे दुकानदार की बात हो, चाहे इंडस्ट्री की बात हो, सिर्फ मजदूर पीड़ित नहीं है इससे, दुकानदार बहुत बड़ा इससे प्रभावित हो रहा है, इंडस्ट्री बहुत बड़ा प्रभावित हो रहा है, आप और हम प्रभावित हो रहे हैं, सब प्रभावित हो रहे हैं। इन सबके जो दुख है वो कैसे दूर होंगे, इस पर विस्तार से बैठ के सोचना चाहिए जी। व्हाट्सअप जनाब्ता साहब कह रहे हैं कि साहब इनकी सरकारों से सीखिए, आपके जो कांग्रेस शासित राज्य है उनको सीखना चाहिए बीजेपी की सरकारों से। मैं हमारे साथी हैं जनाब्ता जी, अपने भाई हैं, इनको एक बात दुरुस्त कर दूं, सबक और सीखना देश के प्रधानमंत्री ने चाहिए था। 12 जनवरी को श्री राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट की कि आप देश से जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो फ्लाइटें हैं, आप इनको मत आने दीजिए। पर नमस्ते ट्रंप, मध्य प्रदेश, आप सबक लीजिए और देश से माफी मांगिए। आप अगर इस देश की सोचते तो जो चंद लोग जो उद्योगपति थे, जो पैसे वाले थे, उनको बाहर से लाने में लगे रहे। कभी चाइना से आपने फ्लाइटें क्यों नहीं रोकी? सबक की बात करते आप लोग एक चीज बताइए, देश में जब पूरे वर्ल्ड में ये हालात हो चुकी थी कि भाई चाइना हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, इटली हो, और आप लोग फिर भी फ्लाइटें वहां से आ रही है, सबक आप लीजिए। दूसरा सबक आपको बता देता हूं, हमारे साथ में राजस्थान के अंदर श्री अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री कांग्रेस के, उन्होंने 2 महीने का किसानों का बिजली का माफ किया, गरीब आदमी का कहा कि 2 महीने तक कुछ नहीं लेंगे। और आपको एक और दुरुस्त कर देता हूँ, कोई से पंजाब या राजस्थान में कहीं पे भी आपने कोई लाठीचार्ज या कोई बदतमीजी या कोई आपने देखी हो, सबक आप लीजिए। तीसरी बात, एक चीज और बताना चाह रहा था, आप लोगों ने अनिल जी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप लोग गवर्नमेंट हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा के अंदर आपने कितनी ट्रेन भेजी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ये 2-4 ट्रेन भेज दी। और राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये क्लियर कहा था और उन्होंने भेजे भी हैं और हजारों ट्रेन के पैसे दिए हैं, बसें भेजी हैं, 1000 बस कल यूपी बॉर्डर के ऊपर, किसने रोका? आपकी गवर्नमेंट ने रोका। आप सबक आप लीजिए। आप एक बात, आप लोगों को बकलाने का काम मत कीजिए कि मैं जुमलेबाज या मैं तो मुहार है। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, अपनी जिम्मेवारी से आप भाग नहीं सकते। जिम्मेवारी जो सीट के ऊपर बैठता है उसकी बनती है, गाड़ी का जो ड्राइवर होता है जिम्मेवारी उसकी बनती है। आज उद्योगों का क्या हाल है ये आपको भी पता है, मिडलमैन का क्या हाल है वो आपको भी पता है, गरीब आदमी का क्या हाल है वो भी आज आपको पता है, और आज आपको ये भी पता है कि देश का मजदूर जो इस देश को चलाता है उसकी क्या दुर्दशा है। ठीक है, अनिल भाई ने इनकी टीम ने जिस प्रकार से कई सवाल हाईवे के ऊपर एक एक मजदूर
दुनिया भर के देश के अंदर एक्सीडेंट हो रहे हैं, उससे भी आप सबक लीजिए। आप जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। और मैं आज आपको एक बात और कहना चाह रहा था, मैं आप इस बीजेपी को एक बात और कहना चाह रहा था, आप देश में राज कर रहे हैं, आने वाला समय आत्मा सो परमात्मा, भगवान देवता, इतना अहंकार, इतना घमंड, ये ठीक नहीं है। और गरीब की और ठीक है, साहब जवाब ले लेते हैं, साहब जवाब दीजिए, आप इस चीज पे ध्यान रख। देखिए कुलदीप जी ने कहा कि पंजाब में लाठीचार्ज नहीं है, नहीं वो नहीं, भाई आपने तो उनको छोड़ दिया, ना उनको खाने को ना उनको गाड़ी चढ़ाने को, कभी पंजाब अपने भटिंडा के रास्ते से आ रहे हैं और कभी अंबाला के रास्ते से गुजरे हैं, तो आपने तो उनको ऐसे हालात पे छोड़ दिया कि वो कहीं के नहीं छोड़े। आज जो हालात जो हुए, आपने जो किए, हरियाणा के लेबर जो थे, हरियाणा में जो माइग्रेंट लेबर, उनको कहीं कोई समस्या नहीं हुई, वो यहाँ रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल यहाँ सब सुविधाओं को मिली है। हरियाणा सरकार ने लिखित में निवेदन करके किराया माफ किया है, आप ये देखिए, और हर एक को खाना पहुंचा है, लेकिन आपने तो खुला छोड़ दिया। हमने उनका साथ न करके भेजे, अगर आप इस तरह भेजते तो आज पंजाब से छुप कर हरियाणा में घुसपैठ नहीं करते, आप बटिंडा से नहीं अंदर तक घुसते, अरे आप साधन करते, बात करते, सीधा भेजते। आज आप एक दिन पहले, कल आपकी कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही, जरा आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। हाँ भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। कुलदीप जी तक मेरी आवाज पहुंचाओ, कांग्रेस वाले सब बहुत जल्दी जाते हैं, तक आवाज नहीं पहुंचती, गरीबों की आवाज बहुत कम पहुंचती है लोगों को। मैं कहना चाह रहा था कि देखिए किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, ये बार बार प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाते हैं और ये लगाते रहेंगे, लेकिन आज पूरा देश जानता है इस विकट परिस्थिति के अंदर भी आज जो जिस तरह से डट के मुकाबला किया है और जिस तरह से छोटे उद्योगों को बचाया गया है और जिस तरह से हर गरीब के घर में ये उज्ज्वला योजना गैस पहले जा सकती थी, 70,000 पहले क्यों नहीं गई, जनधन अकाउंट में उनके पैसे से पहले जा सकते थे। आज हमने हरियाणा के 12 लाख लोगों को 4,000 रुपए प्रति महीना देके हमने 1,200 करोड़ दिया, अभी यह पहले भी पैसे देते कभी, लेकिन नहीं इन्होंने और छोड़ दीजिए, आप कहीं से नहीं लगाइए, कम से कम उतना ही लगा दीजिए जिस क्षेत्र में मैं बैठा हूँ, मैं मेरी आत्मा अंदर से रो रही है माननीय सदस्य और पटौती विधानसभा की। अब यहाँ से जो वाराणसी ने भूपेंद्र दास ने जो कमाए थे उसका 2-4% लगा देते इसमें, कुछ तो लगाते, लेकिन नहीं, कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं सिवाय आरोप लगाने के, कांग्रेस का कोई काम नहीं। आप हमें जो हम कर रहे हैं, आज मजदूरों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको एक एक को पूछ रहे हैं, उनके लिए पोर्टल बनाया है, उनको एक जगह अलग प्रदेश का एक जगह इकट्ठे यूपी बिहार के एक जगह करके उनको तरीके से भेज रहे हैं। और यही नहीं, हमारी सरकार नहीं, दूसरे लोग भी साथ दे रहे हैं, पीछे अपने अनिल आर्य जी है, इन्होंने भी कोई बात की, अनिल आर्य जी के साथ हम भी रहे कई कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रम सभी लोग मिलकर कर रहे हैं, सभी संस्थाएं कर रही हैं, आज कोई पार्टी विशेष का एक काम नहीं है, लेकिन हमारी सरकार है केंद्र में, हमारी ड्यूटी है। और बाहर भी जो अगर कोई हमारे व्यक्ति है तो हम तो अपील लेके आए हैं, आप क्या चाह रहे थे कि जो फंसे हुए हैं क्या उनको नहीं लाते, उनको भी लाना चाहिए, उनको भी लेके आए हैं, तो उसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप शायद लॉकडाउन के पक्ष में नहीं थे, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ये कहेगा कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था उस परिस्थिति के अंदर। जी तो चले, आप सब दोनों ने, आपने भी अपनी बात रखी जावता साहब, लेकिन अनिल आर्य साहब बड़ा सवाल जो है वो यही है कि ये सिलसिला कहीं तो रुकने का नाम ले, क्योंकि अब स्थिति ये हो गई है कि हरियाणा से बसें निकल गई, हम क्योंकि ITV नेटवर्क का उत्तर प्रदेश का भी हमारा चैनल है, तो वहां से खबर दिखा रहे थे कि वो बसें खड़ी हैं बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के, तो ये स्थितियां ठीक हो इसके लिए एक मैकेनिज्म बने, क्योंकि ये कोई, मैं ये कहूं कि जनाबता साहब बस चलाएंगे या बद साहब बस चलाएंगे, ये काम तो ब्यूरोक्रेसी का है कि एक प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी दूसरे प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से बात करे। सरकार ने अगर नीतिगत निर्णय लिया कि साहब इनको हमें बस के जरिए भिजवाना है, लेकिन भिजवाना है वो बसें कहां जाएंगी, क्या उनको उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर नहीं रोका जाएगा, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे प्रदेश के नौकरशाहों को ये बात सोचनी चाहिए थी जिन्होंने बस रवाना करने का निर्णय लिया,
सरकार ने निर्णय लिया बसें जानी चाहिए, मैं चलिए ठीक है, अच्छी बात है, मजदूर को घर पहुंचा रहे हैं, लेकिन जिस अधिकारी की जिम्मेदारी अनिल आया साहब, ऐसे उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? ये जिसे कहा जाए अपराध की श्रेणी में लाना चाहिए। आप सोचिए, जो बसें हरियाणा से निकले उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर खड़ी है, वो बसें, वो मजदूर बस में घुट घुट कर बैठने को मजबूर है, बाहर 40 डिग्री का तापमान है। तो आखिरकार हमारे प्रदेश की नौकरशाही या जो भी इसके नोडल ऑफिसर्स हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? ठीक है, कुलदीप वत्स साहब की जवाबदेही या जराबता साहब की जवाबदेही तो हम और आप तय करते हैं, जनता तय करती है, वो उनका जवाबदेही कौन? आर्य साहब, देखिए रोहित जी, आपको ध्यान होगा तीन दिन पहले जो हम बात कर रहे थे, जब अफसर साहिब ने जब बात करने की थी तब भी यही बात करने की थी कि अफसर साहिब पूरी तरह से बेलगाम हो रही है। आप जो समन्वय की बात कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहे हैं अफसरों की, जब तक अफसरों में आपस में समन्वय नहीं होगा तो बाकी छोड़िए, आप उठा के देखिए कि अगर एक जगह पर एक जिले में तीन एजेंसीज काम कर रही हैं तो उन तीनों एजेंसीज के बीच में जो समन्वय है वो जीरो है। आप एक जिले को नहीं संभाल पा रहे हैं, आप एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, ये तो दूसरे स्टेट की बात है। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जो चूक कर रहे हैं, जो लापरवाही कर रहे हैं, जिनमें संवेदनशीलता नहीं है, जो संवेदनहीनता दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून इसकी इजाज़त देता है, मुझे नहीं जानकारी इस बात की, ये बात ये दोनों विधायक बेटर बता सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर सरकार ने कोई नीति तय की है, सरकार ने कोई नीति बनाई है, एक नीतिगत निर्णय हुआ है, उसको लागू करने का काम अफसर शाही का है, ब्यूरोक्रेसी का है, और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो उन नीतियों को, उन व्यवस्थाओं को ढंग से लागू करे। और इस वक्त मुझे तो ये लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक दूसरे की शक्ल ज़्यादा देख रही है, एक दूसरे की तरफ ये देख रही है कि मेरी पीठ कैसे ज़्यादा थपथपाई जाए, दूसरे की क्या होगा कोई मतलब नहीं है। मैं गुड़गांव का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ रोहित जी, कि यहाँ एक MCG, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आप दोनों के बीच में समन्वय देख लीजिए, और एक पुलिस कमिश्नर, तीन अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, आप समन्वय देखिए कहाँ पर है, नहीं है। ऐसे आप अगर पंचायत डिपार्टमेंट में जाएंगे वहाँ स्थितियाँ कुछ और है। अगर यहाँ से आप भर के भेज रहे हैं लोगों को, वहाँ आगे कोऑर्डिनेट किया कि नहीं किया? अगर यहाँ से बस जाकर UP के बॉर्डर पर खड़ी हो जाती है, या रास्ते में कहीं भी कोई दिक्कत आती है, तो वहाँ से किससे कोऑर्डिनेट किया? इस बात की जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी ना, और ये सरकार का अधिकार भी है, और सरकार को करना चाहिए, सख्ती से करना चाहिए, चाहे वो सरकार BJP की हो, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो, या सरकार किसी और की हो। और यहाँ तो हरियाणा और UP दोनों जगह BJP की सरकार है, यहाँ खट्टर साहब की सरकार है, योगी जी की सरकार है, और दोनों जो मुखिया हैं सरकारों के, उनके बारे में माना जाता है कि दोनों अपने ड्यूटी के प्रति ईमानदार हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, अगर पहले से ही पीड़ित मजदूर और पीड़ित हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की, ब्यूरोक्रेसी की तो है, मैं ये मान के चलता हूँ, सरकार की भी है। सरकार के मुखियाओं को तय करना पड़ेगा, संबंधित विभाग के मंत्रियों को तय करना पड़ेगा कि वो पूरी सख्ती से इसको लागू कराएं और अफसर शाही पर लगाम लगाएं। अगर अफसर शाही काम ढंग से नहीं करेगी तो सच मानिए, नुकसान आपका ज़्यादा होगा, अफसरों का नुकसान कम होगा। ये आपका मतदाता भी है, ये आपकी जनता भी है, और ये आपका वो श्रमिक है जो आपको राजस्व देता है। अगर श्रमिक नहीं होगा तो राजस्व आपके पास नहीं आएगा। बिल्कुल, कुलदीप वत्स साहब, फाइनल कमेंट बताइए कि क्या जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है, जो भी आर्य साहब से भी मैंने सवाल किया था कि वो अधिकारी क्या कर रहे हैं, कि किसी, ये क्या मुमकिन है? आप बताइए कि यहाँ से बसें भर भर के ले जा रहे हैं आप, और दसियों बसें जा रही हैं, और आपने वहाँ पर किसी से संपर्क ही नहीं किया, उस सीमा से सटे जिले के DM तक से संपर्क नहीं किया कि साहब चार बसें आ रही हैं, इनको आने की इजाज़त है या नहीं है? तो ये तो लापरवाही है। देखिए राहुल जी, पहली बात तो मैंने जो हमारे साथी जरावता जी है, इनकी बात मैं सुन नहीं पाया था, उनका मैं इनको जवाब देता, पर अनिल जी की बात से मैं सहमत हूँ। ये दोनों जो ऑफिसर हैं, जिम्मेवारी इनकी बनती है। मैं अब फिर ये बात आएगी, ऑफिसर आपने देखा सोनीपत इसके जो लॉकडाउन के अंदर की बात करते हैं, लॉकडाउन के अंदर सबसे ज्यादा हरियाणा को शराब माफियाओं ने और अफसरों ने मिलकर लूटा है। इतना बुरा हाल सोनीपत के अंदर, पानीपत के अंदर, फतेहाबाद के अंदर, सिरसा, कोई हरियाणा का ऐसा कोना नहीं जहां लॉकडाउन के आड़ में और अफसरों के साथ मिलके, नेताओं के साथ मिलके जिस प्रकार से हरियाणा की जनता को लूटा गया है,
ये अनिल जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। और एक चीज और मैं कहना चाह रहा था, जो आदमी इस बात की बात कर रहे थे कि भाई जो जुम्मेवारी की बात है, जुम्मेवारी बिल्कुल जायज बनती है, ऑफिसरों की जुम्मेवारी बनती है। जहां तक हमारे इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू नहीं आएगा, और रेवेन्यू तब तक नहीं आएगा जब तक मजदूर नहीं होंगे। ये बात मजदूर के साथ जो हुआ है, मजदूरों की प्लानिंग जो हो रही है, ये प्लानिंग रोहित जी अगर पहले हो जाती, पहले अगर 5 दिन का टाइम, मैं बार बार कह चुका हूं, 5 दिन पहले हो जाती तो आज वो मजदूर वापस भी आ जाए। आप एक चीज देखिए, आज वो जाएंगे 14 दिन उनको आप वैसे उनको उसमें रखेंगे उसमें, उसके बाद में 14 दिन के बाद फिर उनको आप घर भेजेंगे, वो 14 दिन के बाद वापस कैसे आ जाएंगे। तो ये चीज मैं ये कहना चाह रहा था, श्रीमान हमारे जरावता जी, आप अपनी गलतियों को गलती माने, हरियाणा की जनता से भी माफी मांगे, जिस प्रकार से ठीक है आप लोगों ने कहा कि भाई कोई जी दूसरा मैं एक चीज रोहित जी एक बात और कह रहा था, देश के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जो डोनेशन आई है, क्या उसका हिसाब दे रहे हैं आप लोग? आप उसका हिसाब दे रहे हैं क्या? आप क्या कर रहे हैं? जो अनिल जी की बात से सहमत हूं, जो साथी थे जिन्होंने हरियाणा को नहीं पूरे देश को बचाया है इस दुख की घड़ी में, गवर्नमेंट का मैं इस बात में कहीं की हो कुछ नहीं मानता हूं। मैं सबसे ज्यादा सहयोग जो हमारे दानदाता थे, जो एनजीओ थे, जो जिनकी वजह से हमारा जो प्रदेश हो या देश मजबूत हुआ, ठीक है, इसमें कुछ नहीं। वक्त बहुत कम है, एक फाइनल कमेंट में आपसे मिलूंगा, जनाबता साहब के पास आऊंगा। जी वत्स साहब, जी जनाबता साहब, फाइनल कमेंट। रोहित जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार है, और किसी ऐरे गहरे क्लस्तु खेरे की सरकार नहीं है। यहाँ एक एक पाई का हिसाब कभी भी कोई व्यक्ति ले सकता है, यही नहीं राजनीतिक व्यक्ति भी, सामान्य व्यक्ति भी ले सकता है। हर व्यक्ति उस व्यक्ति का अधिकार है, और एक रुपए की हेरा फेरी हम आपको दावा करते हैं कि नहीं मिलेगी, क्योंकि ये गया वो समय। आज भी मेरे से करीब करीब 100-150 पीटीआई मिलने आए हैं जो 2010 में भर्ती हुए थे, जो इनके कुकर्मों को रोने के लिए आज मेरे पास आए। खैर वो विषय नहीं है, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर जो भी प्रवासी मजदूर भाई हमारी बात सुन रहे हैं आपके इंडिया न्यूज के माध्यम से, उनको सुनिश्चित करना चाहूंगा कि हम जो व्यक्ति जो मजदूर जाना चाहेगा, एक एक व्यक्ति को बकायदा उस सरकार से अनुमति लेकर उनके घर भेजा जाएगा, और जो प्रदेश में रहना चाहेगा उसको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, उसके रहने खाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके और मैं भी कह रहा हूँ। और एक बात और कि ये इधर उधर की बात लगा रहे हैं, उन बातों का जवाब देने का समय है नहीं। जब समय आएगा तो आप डोनेशन पे चर्चा कर लेना कि आपने कितना दिया, आपने कितना लूटा, आपका सब हिसाब हो जाएगा, आपके नेताओं का हिसाब हो जाएगा, आपके जो बड़े नेताओं के नेता दिल्ली में बैठते हैं उनका भी हिसाब हो जाएगा। लेकिन आज ये समय हमारे माइग्रेंट का है, बात 6 साल से लोग सुन रहे हैं। हाँ, ये सब पता है ना, ये जुमलेबाजी छोड़ दो, किसका कितना हिसाब करेंगे आप? 6 साल हो गए इस बात को, मेरी बात सुनिए, 6 साल हो गए हैं आप लोगों को ये जुमलेबाजी, ये टॉफी बांटनी छोड़ दे, आप जवाब दीजिए। मैं इस बात से आप भटकाओ ना, जो बात जो ये जुमलेबाजी छोड़ दे, ये देश की जनता सब जानती है आप कितने जुमलेबाज हो, कितने आपने काम किए, कितने आपने पैकेज दिए हैं, ये सब जानते, छोड़ दो। और रही बात, आपने एक बात कही थी, इलेक्शन करा के देख ली, आपको भी पता है, आपको पता लग जाएगा, देश का भी पता लग जाएगा, हरियाणा का भी पता लग जाएगा कि कितने अच्छे आप काम कर रहे हैं। और सुनो मेरी बात, आप 6 महीने पहले इलेक्शन, सुनो आप 6 महीने पहले हुए था, पता लग जाएगा। दूसरा, जो शराब घोटाला हुआ है, आप अपने मुख्यमंत्री ईमानदार है, आपके गृह मंत्री ईमानदार है, तो आप पहले इसकी जाँच करा के इसकी कार्रवाई करिए। ठीक है, मैं माफी के साथ कुलदीप साहब आपको भी रोकूंगा, जनाबता साहब आपको भी रोकूंगा, क्योंकि वक्त खत्म हो गया है हमारी आज की इस डिबेट का। वत्स साहब आपको भी रोकूंगा, जनाबता साहब आपको भी। वत्स साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, जनाबता साहब आपका भी शुक्रिया, अनिल आर्य साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल आज बड़ी बहस में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।